लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में मतदाताओं ने महाआहुति की और अब मत पेटियों में मतदान कैद है और प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला भी। आपको बता दें कि कोरबा लोकसभा में तीसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जोरों पर रही। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। विकासखंड करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ग्राम पंचायत सुपातराई मतदान क्रमांक 177 में जाकर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत न्यूज, मैं हूँ चित्रलेखा श्रीवास। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण का मतदान 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। यहाँ के मतदाताओं से हम बातचीत करेंगे कि उनका मतदान कैसा रहा। सर, अपन परिचय बता है। मोर नाम मोहित राम मैत्री है। मैं एक आम कार्यकर्ता मतदाता हूँ, वोट करे बा आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप मन वोट डाले आए हो तो आप मन ला कैसे लगा थे? बहुत सुंदर लगा थे। ये पावन पुनीत पर्व है, हमर मतदान के अधिकार है। बोला मतदान करके मोला बहुत सुंदर लगा थे। ये मोर वोट डाले के वहाँ निशान है। मैं सुपत्र 177 क्रमांक में वोट करे हूँ। आम और यहाँ पे मतदाता है तेला आप मन का संदेश देना चाहा था वा आज के महापर्व में? ये महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में ये पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर के राष्ट्र सशक्त बनावे, देश ला आगे बढ़ाए, यही मोर सब मतदाता से अपील है। बहुत मतदाता से बात किए और एजेंट भी है जो इन्होंने सर्वप्रथम मतदान केंद्र में जा कर के इन्होंने पहली मतदान इन्होंने डाले, उसके बाद फिर जो है अन्य मतदाताओं ने शुरू किए। यहाँ पर और एक हमारे साथ मतदाता हैं, उससे बातचीत करेंगे। बताइए अपना परिचय। मेरा नाम श्याम सिंह पटेल है जी। मैं ग्राम पंचायत सुपातराई का निवासी हूँ, जो कि आज हमारे ग्राम सुपातराई में बहुत सुंदर ढंग से हमारे यहाँ वोटिंग का कार्यक्रम चल रहा है अभी, है ना, और अच्छा से हुआ, बहुत सुंदर, कोई प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आया। इस प्रकार से सुचारू रूप से अपना गांव का मतदाता लोग सब खुश हैं और सब त्योहार के रूप में मना रहे हैं आज का दिन। यहाँ पे कर्मचारी गण अन्य विभागों से आए हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे सर। सर, ये जितना अपने विभाग से आए हैं ना, जो सब अपने अपने हिसाब से अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मतदाताओं के लिए यहाँ पे टेंट छाए हैं, पानी की व्यवस्था है, क्या क्या उन लोग के लिए सुविधा रखी गई थी? हाँ, टेंट का व्यवस्था है, उन लोग के लिए पानी वगैरह का व्यवस्था है, अच्छे से छाए का व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और हमारे साथ आए हुए हैं कर्मचारीगण, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आज का मतदान कैसा रहा, उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसा। सर बताएंगे। मेरा नाम चंद्र प्रसाद यादव हूँ जी, मैं सुपत्रे का हूँ जी। आज अभी जो है छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की चुनाव संपन्न होने जा रही है, उसमें आप अपना सहभागिता निभाए हैं, उसके बारे में बताएंगे सर जी। हाँ, मैं बहुत अच्छे से यहाँ वोटिंग हुआ है और मैं अपना मतदान किया हूँ। यहाँ बढ़िया से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और हमारे मतदातागढ़ हैं जो वोट डाल चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम मनहरन त्रिवास, ग्राम पंचायत सुपत्रे से हूँ, जो कि अभी आज चुनाव जैसे गुजरे है, बहुत सुंदर ढंग से गुजरी है। आपने अपने मतदान किया? जी, हम लोग किए हैं मतदान। ऐसे ऐसे दिखाइए। मतदान किया है, बहुत सुंदर ढंग से हुआ है संपन्न ग्राम पंचायत सुपत्रे में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे मतदाता भाई हैं, उससे भी बात करेंगे। भाई, आप मन के ना कहना है? कार्तिक राम यादव। अच्छा, ये बताइए कि आज मतदान हुई से वहाँ वोट डाले गे रहा? हाँ, गे रहे। कैसे लगी से आप मन वोट डाले, पहली बार है कि है दूसरा बार है? कई बार हो गए है, ऐसे नहीं है। हाँ, जब भी वोट चुने होते तब वोट डाले जाता? जाता। अच्छा, ये बताइए, अपन हाथ ला बताइए वोट डाले के। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक हमारा गे रहे वोट दे।
का नाम है आप मन के? ठाकुर राम रजक। कितना टाइम के रहे वोट डाले? अब टाइम मत पता नहीं है उसने। आपके धूप में गए रहे हो कि सुबह गए रहे? सुबह गए रहे ना स्नान ध्यान के। 7 बजे शुरू हुई तब के टाइम के? 9 10 बजे तक से। हां तो घाम मिली से कि नहीं मिली से? नहीं मिली सतकार छैया करे रही से। पानी वानी पिए व्यवस्था रही से? हां रही से पानी। हां टेंट पे छवारी से? हां छवारी से। कैसे लगी से वोट डाले हत्ता आप? बढ़िया लगी से। हां ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद यहां पे और हमारे मतदाता हैं। काना है बाबा आप मन के? मोर नाम दीन दयाल है। अच्छा बताबे आज वोट चुनाई होत रही से ओमा आप मन वोट डाले गे रहा? गे रहन। कैसे लागी से तब वोट डाल के? अच्छा लागी से। कितना टाइम गे रहे वोट डाले? करीबन 9 बजे। तो पानी कांजी व्यवस्था रही से? सब रही से। हाँ ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। वोट के आप मन के निशान ला बता दो। ठीक आप मन के नाम बतावा? मोर नाम राम शंकर मन्ने वाले। अच्छा ये बताइए आज छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण के मतदान हुई से वह सुबह 7 बजे से शुरू हो रही इसकी दुआ तो आप मन वहाँ वोट डालेगे रहे? हाँ वोट डालेगे। मतदान केंद्र आप मन के कहाँ बने रही से वह? ये सुबत रही। तो कैसे लगी से आप मन वोट डाले आ रहे? अच्छा लगी वोट डाले। लगभग के बजे आ रहे आप मन? लगभग 8:30 बजे के आसपास। कछु प्रकार के कोई परेशानी थोड़ी हुई? कोई परेशानी नहीं सब बढ़िया हुई से। ठीक है आम जनता मन लाऊ का कहना चाह अभी तो टाइम है कही देवा। आम जनता मन मैं सब ले यही कहना चाहत हूँ जितका बचे है मन सब आके वोट डाले और अपन अपन वोट डाले के तो सब अधिकार है ही है ना तो सब वोट डाले यही कहना चाहत हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि हमने अपना अधिकार वोट डाल के आ गए हैं। यहाँ पे हमारे और मतदाता साथी हैं उनसे बात करेंगे। बाबा अपन नाम बताइए। सुखलाल दास महंत। अच्छा ये बताइए अभी तो आज चुनाव रही से कई दवा 7 बजे से शुरू हो रही से 6 बजे तक चलना है कई दवा तो अपन वोट डाल के आ गया। हाँ। कैसे लगी से वोट डाल के आया था? अच्छा लगी। वहाँ पानी वानी के टेंट वेंट के सुविधा रही से? हाँ रही से। कोई प्रकार के परेशानी थोड़ी हुई से? नहीं रही। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप मन के नाम बताओ। मेरा नाम मेमलाल। अच्छा बताइए अभी आप मन के सुपतरी में मतदान केंद्र बने रही से माँ जाकर के वोट डाले हवा? हाँ डाले हन। कैसे लगी से वोट डाले है? अच्छा लगी से। आप मन के पहले बार वोट डाले है कि दूसरा बार वोट डाले है कि तीसरा बार है? के बार आप मन वोट डाल चुके हैं? मैं तीसरा बार। अच्छा ये बताइए आम मतदाता मन ला आप मन का संदेश देना चाहा था आप मन के माध्यम से? ओ मतलब का संदेश दे वो सब अच्छा अच्छा है मतलब सब झला वोट डाले जहाँ ऐसे करके? हाँ सब झला वोट डाले जाए कह के कहे। ठीक यहाँ पे हमारे साथ एक और मतदाता है जिन्होंने मतदान करके आए हुए हैं उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा उनका मतदान कैसा महसूस किया इन्होंने बताएंगे। भाई अपना नाम? मैं संतोष रजक सुपातरी से। अच्छा ये बताइए कि आज मतदान हुई से वह ठीक है तीसरा चरण में छत्तीसगढ़ के तीसरा चरण हुई से कई दुआ जमा सुबह से 7 बजे से शुरू होकर के 6 बजे खत्म हुई तो आप मन वोट डाल चुके हैं? हाँ मैं वोट डाल चुके हूँ। इतना सुंदर अच्छा से मन हमारे यहाँ के मतदान संपन्न हो से जेकर खुशी कोई ठिकाना नहीं से सब अच्छे से माने भागीदारी लीन है वोट चढ़ बढ़ के डाली है अच्छे से। ये बताइए वहाँ पे कुछ टेंट वगैरह पानी कांजी के सुविधा इस मतदाता मान ला कोई किसी प्रकार के कोई परेशानी थोड़ी हुई से? वहाँ भी था और क्या बोलते हैं दोनों पक्ष कांग्रेस पार्टी का और भाजपा का दोनों का माने भी यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है पानी वानी के अच्छे से व्यवस्था वो लोग भी किए हैं। यहाँ पर किसी मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं कोई मतदाता को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ मतदाताओं का कहना है कि सुपातरई मतदाता केंद्र 177 में मतदाताओं के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई मतदान केंद्र में जा करके अच्छे से हम लोग वोट डाले हैं और अपनी सहभागिता निभाए हैं। सर आज ग्राम पंचायत सुपत तरई में मतदान क्रमांक 177 में छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की मतदान आज सुबह से 7 बजे से 6 बजे तक होना है उसमें आप मतदान करने गए थे क्या सर? जी मैं मतदान करने गया था और
पूरा शासन प्रशासन का जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर ढंग से गर्मी को देखते हुए सभी ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और हमारे यहाँ टेंट भी लगाया था प्रशासन के तरफ से, दोनों पार्टी के तरफ से, अपने अपने पार्टी के तरफ से शीतल पेयजल का व्यवस्था किए थे, टेंट भी लगाए थे, मतदान केंद्र में भी टेंट लगा था। और कोई भी मतदाता को 5 से 10 मिनट समय नहीं लगा है, जिसमें वहां बैठने का भी व्यवस्था था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मतदान केंद्र के जितने भी अधिकारी हैं जो मतदाता हैं, और जिन्होंने मतदान बहुत ही सुचारू ढंग से विनय पूर्वक ही 5 बजे तक संपन्न कराए और बहुत ही सुचारू रूप से मतदान कराए। और बहुत ही दोनों पार्टी की तरफ से यहां व्यवस्था किया गया था कि मतदाताओं को कोई प्रकार का तकलीफ ना हो, इसको ध्यान में देखते हुए हमारे दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि लोग अपने व्यवस्था में लगे हुए थे। यहाँ कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, ना कर्मचारियों में, ना मतदाता में, ना दोनों पार्टी के हमारे नेताओं में कहीं भी कोई भी प्रकार का कुछ भी बात विवाद, ना कुछ राग द्वेष, ईर्ष्या कपट, सबको अनदेखा करते हुए सभी मतदाताओं को मतदान कराए। मैं इसके लिए सभी भी हमारे जितने भी आयोजक समिति हैं, मतदान करता है, मतदान दल है, उनका तहे दिल से, पुलिस प्रशासन का भी मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। ऐसे पूरे और अन्य राज्यों में जहां मतदान नहीं हुआ है वहां भी ऐसे मैं आशा करता हूं कि बहुत ही सुचारू रूप से मतदान कराएं। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। अपना हाथ दिखाएंगे, मैं अपना अधिकार बताइए। ये मेरा है अधिकार पत्र, मैंने मतदान का उपयोग किया। बहुत बहुत हमारे साथ परमेश्वर पटेल जी मौजूद हैं। वे पहले बार अपना मतदान करने के लिए आए थे। अब भाई बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम परमेश्वर पटेल है, मैं पहला। अच्छा, ये बताएंगे आपका ये पहला मतदान था कि और डाल चुके थे आप? ये पहला मतदान है मेरा, सबसे फर्स्ट है, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं पहला डाला हूँ आज। बताएंगे आप कितने समय डालने गए थे वोट? करीबन 12-1 बजे टाइम। वहाँ पर कोई परेशानी थोड़ी हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं परेशानी। अपना अधिकार बताइए, आप वोट डाले हैं उसका? मेरा अधिकार जी, ठीक। बता रहे हैं कि ये मेरा पहला मतदान है जो कि मैंने अपना अधिकार का प्रयोग किया है। अपन नाम बताइए। मोर नाम है खेमराज मैत्री। अच्छा, ये बताइए आज आप मन वोट डालेगे रहा? पहले बार है कि और डाल चुके हैं? पहला बार है। कैसे लगी से आप मन ला, पहले बार वोट डाल करके आप मन ला कैसे अनुभव हुई से, कैसे महसूस हुई से, और आम जनता मन ला आप मन औ का कहना चाह, पहले बार आप मन वोट डाल करके कैसे अनुभव हुई से? बढ़िया खुशी लगी से, अच्छा लगी, और ये देश के नागरिक जैसे लगी। मैं सब जिन बोलना चाहता की, और मोर भाई मैंने वो वोट डॉट नहीं डाले कुछ रीजन से, सब मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छा से अपन वोट डालें, अपन मतदान का अच्छा से उपयोग करें। ठीक, धन्यवाद। हम मतदातागढ़ हैं जिन्होंने अपना मतदान का उपयोग कर चुके हैं, बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम बिमला रजक है, और मैं वोट डालने गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई वोट डालने पर, बस। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक हमारे और बहन है जिन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया है, उसे जानेंगे कि उसको कैसा लगा अपना मतदान दे करके, बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम नेहा रजक है, और इस वर्ष मैं वोट डालने गई थी और मेरे को अच्छा लगा। और दूसरे मतदाता है उसको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहूंगी कि वोट देना हमारा पहला कर्तव्य है जो कि सभी के लिए अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन नाम बताइए। राधेश्याम पटेल। अच्छा, बताइए आज आप मन वोट डालेगे रहा? हाँ। कैसे लगी से वोट डाल? बढ़िया लगी, मस्त, खुशी की बात है आज। और मैं कछु प्रकार के कोई कमी थोड़ी? नहीं नहीं, कुछ प्रकार की नहीं। का सुविधा रही से मतदाता मन के लिए? बड़े पानी सुविधा, सब चीज की सुविधा रही है। टेंट लगे रही से, नाश्ता वास्ता देते रही से, नाश्ता में बीच जाते रही, क्या करते हैं, भजिया भजिया रही से, पानी सानी सब पानी व्यवस्था रही, पानी सब व्यवस्था रही से। वोट डाल के आया कैसे लगी? बढ़िया लगी, मस्त, खुशी की लगी से।
बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जो अपना अधिकार दे करके आई हुई है, बताइया आप मन के नाम। विटामिन भाई मुन्ना वोट डारे के रहे। हाँ। बढ़िया लागे सब ठीक के सीधा रही से। हाँ। काका सीधा रही से ओमा गे रहे वोट डारे तो मेर काका रही सीधा पानी के पानी के सीधा रही से सरबा दुर्बा सब बनाए रही सब के सीधा रही से। कछु प्रकार के तोला परेशानी थोड़ी होई से वोट डारे के रहे तक ना। हाँ, कुछ के परेशानी नहीं हो ही बोला का के परेशानी रही। हाँ वोट डारे गे रहे ते कर उंगली ला दिखा ना वोट डाले गे रहे ते कर ये देखो। हाँ। आप देख सकते हैं अपना वोट का अधिकार दे करके इन्होंने आ गई है। ठीक अपन नाम बताइए। राधेलाल पटेल। अच्छा वोट डाले गे रहा आज। हाँ, गे रहे। कैसे लगी आप मतलब वोट डाल के आए हैं तो बढ़िया लगी। का सुविधा रही से वोट डाले गे रहते मेरे सब सुविधा रही से का रही से पानी कंजी सब व्यवस्था हो रही नाश्ता वास्ता दे रही से। हाँ हाँ दे दे। ठीक। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की मतदान संपन्न हो गई है। सुपर तरई मतदान केंद्र 177 में मतदान अच्छा सा सुचारू रूप से व्यवस्थित था। किसी भी मतदाताओं को कोई प्रकार के परेशानी नहीं हुआ। कोरबा छत्तीसगढ़ से जिला ब्यूरो चित्रलेखा सिरवास की ग्राउंड रिपोर्ट।